हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अवर वी आर डूइंग चैप्टर नंबर दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वी हैव डन अबाउट पोल्यूशन व्हाट इज पॉल्यूशन एंड टुडे वी विल डू अबाउट एयर पॉल्यूशन व्हाट इज एयर पॉल्यूशन एयर इज नेवर फाउंड क्लीन एयर है वो कभी भी साफ नहीं मिलती द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाई हार्मफुल थिंग्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन हवा का गंदा होना नुकसान वाली चीज़ों से के साथ मिक्स होना उसे कहते हैं एयर पोल्यूशन द एयर पोल्यूशन हैज़ मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लाइज ऑफ ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स अगर एयर पोल्यूट होती है एयर पोल्यूशन होता है तो उसके बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं इंसानों पर भी प्लांट्स पे भी एनिमल्स पे भी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उन पर भी द मेन कॉज ऑफ कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर क्या कारण है एयर पोल्यूशन के स्मोक ऑप्टेंड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल इन फैक्ट्रीज एंड हाउसेज पोल्यूट द एयर ये जो धुआं निकलता है किससे निकलता है कोल कोयले के और पेट्रोल के जलने से जो फैक्ट्री में या फिर साधन में चलता है या फिर घरों में हम जो यूज करते हैं लकड़ी जलाकर खाना बनाने में उन सब में धुआं निकलता है वो एयर को पोल्यूट करते है. obtained from automobiles, हैं स्मोक ऑप्टेंड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल्स हैं कार स्कूटर ट्रक बस इन सब में से क्या होता है एयर पोल्यूशन निकलता है ये एयर पोल्यूशन करते हैं कंटेन हार्मफुल सम पॉइजनस सब्सटेंस कुछ धुएं में बहुत ही हार्मफुल गैसिज होती है एंड सम पॉइजनस सब्सटेंस और कुछ जहरीले चीज होते हैं फैक्ट्रीज रिलीज वेरी डेंजरस गैसेज एंड इरीटेटिंग फ्यूम्स इन द एटमोसफियर जो फैक्ट्रीज़ है किसी भी चीज़ की ओर उनसे बहुत ही हार्मुल गैसेज निकलती हैं और वो मतलब ऐसे एटमोसफियर में ऐसे फ्यूम्स ऐसे रिलीज़ करती है जो हमें बहुत ही इरीटेटिंग लाइक हमारी आँखों से पानी आना या रेस्परेटरी डिसीज़ होना बहुत ही नुकसान वाली रिलीज होती हैं गारबेज फ्राम हाउसेज थ्रोन इन द ओपन पोल्यूट एयर जो हम कूड़ा खुले में फेंकते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है और बीमारियां फैलती है नेक्स्ट इज भोपाल गैस ट्रेजडी भोपाल गैस ट्रेजडी क्या हुआ था भोपाल गैस हैव यू हर्ड ऑफ भोपाल गैस ट्रेजडी क्या आपने भोपाल गैस ट्रेजडी के बारे में सुना है इन 1984 1984 में देयर वाज द लीकर्स ऑफ पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस थी वो किसी फैक्ट्री से लीक हो गई फ्रॉम ए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल ये है फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में दिस कॉज डेथ ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ पीपल इससे हजारों लोग मर गए थे मैनी पीपल बिकेम ब्लाइंड बहुत सारे लोग अंधे हो गए मोर देन वन लैक पीपल कॉन्टिन्यूड टू सफर फ्रॉम सीरियस डिसऑर्डर और एक लाख से भी ज्यादा लोगों को बीमारियाँ हो गई ट्रेजडी नोन एज कर्नोबाइल ट्रेजडी अकर्ड इन द सोवियत यूनियन में भी हुआ सच एक्सीडेंट अक्रिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड शो एवल इफेक्ट ऑफ साइंस टू द एनवायरनमेंट एंड मैन कि साइंस की किस लिए हुई है खोज साइंस नई नई खोज करता है लेकिन उनको अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहिए जब ये कंट्रोल से बाहर होते हैं तो ये इतना नुकसान करते हैं मतलब साइंस के यहाँ पे सिर्फ बुरे इफेक्ट दिखाई देते हैं देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद ग्रेट केयर इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं नई नई खोज होती हैं उनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग जब तक अच्छे से समझ ना आए उनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उल्टा पड़ सकता है नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ हार्मलेस देखिए जो हम एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लेकिन वो हानिकारक नहीं है हानिकारक वो कब बन जाती है ये देखते हैं हावअ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ एक्टिविटी फ्यूल लाइक कोल नेचुरल गैस पेट्रोलियम इन सब के जलने से द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर इज इंक्रीजिंग इन सब के जलाने से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट है वो बढ़ रहा है द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर फॉर्म में थिक कवर अराउंड द अराउंड द अर्थ हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है जिसे हम एटमोसफियर बोलते हैं उसमें ऑक्सीजन भी है और दूसरी गैसेस भी हैं ठीक है थीके? लेकिन जब इसमें सीओ टू बढ़ जाएगी तो क्या होगा ये खुद एक मोटी कवर बना लेती है अर्थ के चारों तरफ द अर्थ रिसीव ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन जो सन से एनर्जी आती है दिन के टाइम वो अर्थ को गर्म कर देती है अर्थ कुछ हीट उसमें से अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और जब रात होती है जब सन चला जाता है तो सन जो अर्थ है वो उसी हीट को वापस भेजता है ठीक है अगर वो सारी हीट बाहर चली जाए तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी जीना मुश्किल हो जाएगा तो जो एटमॉस्फेयर है जो एयर की लेयर है वो क्या करती है उस एनर्जी को या हीट को वापस जाने नहीं देती वो वापस अर्थ पे मोड़ देती है उसको ठीक है और कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है मतलब जैसे सी ओ टू है वो उस हीट एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है या अर्थ से बाहर नहीं जाने देती तो सी ओ टू कुछ बाहर भी जा रही है कुछ वापस वहीं रह जाती है कुछ ऐब्ज़ॉर्ब हो जाती है ठीक है अगर सी ओ टू ज़्यादा है मतलब ये क्या करती है उस हीट एनर्जी को ऐब्ज़ॉर्ब करती है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगी इट मीन्स कि ज़्यादा गर्मी हो जाएगी अर्थ पर द अर्थ रिसीव ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्राम द सन सन से हमें एनर्जी मिलती है बट इट एब्जॉर्ब समर्जी एंड सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक तो कुछ है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ है वापिस चली जाती है दिसकवर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसको सीओ टू एबजॉर्ब कर लेती है सी ओ टू पकड़ लेती है एंड डज नॉट अलाउ इट टू स्कोप बैक इन टू द स्पेस और वापस स्पेस में जाने नहीं देती दिस वार्म अप द अर्थ सरफेस इससे अर्थ का सरफेस वापस गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा दिस हीट ट्रैपिंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस और जो जो गैसेस सी ओ टू के साथ दूसरी गैसेस भी है जो इस हीट हीट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं और इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज आर कौन कौन सी हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन ओजोन वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरो को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है इज ए केमिकल वाइडली यूज इन एयर कंडीशनर एयर ए सी में फेजेस में ये यूज़ होता है इट ऑल्सो वार्म अप द एटमोसफेयर और ये एटमोसफेयर को भी गर्म करता है यहाँ तक आपको चैप्टर रीड करना है